हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल AK&SONS जॉब कंसल्टेंसी पे। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाला हूं, कोई वैकेंसीज के लिए नहीं बात करूंगा। ये कुछ बात है जो आपसे करना चाहता हूं, उन लोग से जो फ्रेशर हैं और कोई टेक्निकल है नहीं जाते, तो हमने देखें तो आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक क्या है। ये स्पेशल टॉपिक है कि ज़्यादातर जो 18-19 साल से लेके 24-25 साल के जो लोग हैं उसमें ये ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो बनाओ, और एक हमारे सब्सक्राइबर का भी रिक्वायरमेंट था, इस तरह की एक वीडियो बनाए फ्रेशर के लिए। कुछ एडवाइस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए जो टेक्निकल है नहीं जानते, कुछ काम नहीं जानते, तो क्या डिसीजन ले, उसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। चलिए शुरू। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, 10th पढ़े हैं या प्लस टू पढ़े हैं, उसके बाद कोई काम नहीं सीखे आप, कोई हो जाता आपके पर्सनल मजबूरी हो, चाहे कुछ फाइनेंशियल मजबूरी हो या कुछ और भी हो, तो बहुत ऐसा तरह रहता है। नौजवान लोग जब उस वक्त अपना जो नौजवान रहते हैं उस एज में रहते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस उनको पढ़ाई जो है भारी लगता है। इससे क्या होता है कि आगे पढ़ नहीं पाते हैं और कुछ टेक्निकल हैंड भी नहीं सीख पाते, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, चाहे मैसन हो गया, चाहे जाके आपका वेल्डर हो गया, चाहे कुछ भी फैब्रिकेशन हो गया, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन हो गया, कुछ भी ऐसा है जो टेक्निकल हैंड नहीं सीख पाते हैं, इधर उधर काम वाम करके वक्त जाया कर देते हैं। 2-4 साल जब जाने के बाद जब इंसान को होश आता है तो समझ में आता है कि हमको कुछ सीखना चाहिए था, कुछ काम जानना चाहिए था, तब जाके हम अच्छा रहता, कहीं विदेश में जाने में भी आराम रहता। उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं जो बात बोलूँगा उसमें आप फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा, अपना खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने लोगों को देखा भी है, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहूँ कि देखिए, सबसे पहले जो बात है कि जो 10th पढ़े हैं या प्लस टू पढ़े हैं, कोई काम नहीं जानते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हिम्मत रहना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए बंदा, ठीक है, बदन से फिट होना चाहिए। क्या करें भाई, तो आप कोई भी काम को चूज़ कर लें, ठीक है, जो आपको सूटेबल है, कि आपको कंफर्टेबल है उसके साथ, उस काम के साथ, वो काम को चूज़ करें। और अगर विदेश निकलने जाते हैं तो हेल्पर में निकले, हेल्पर बोले तो कंस्ट्रक्शन हेल्पर नहीं होता, हेल्पर का बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर होता है, प्लम्बर का हेल्पर होता है, ठीक है, AC टेक्नीशियन, मेंटेनेंस रिपेयर का हेल्पर होता है, वेल्डर में होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में है, कोई भी काम। अब आप शर्म करेंगे भाई, हम घर में है ना, देखिए घर में हम अपने गांव में रहते हैं तो बहुत बड़े हैं, बहुत मिजाज में रहते हैं, बहुत रुआब में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ज़िंदगी जब सफरिंग आपकी करती है, जब आपको तकलीफ और बहुत सारा ताना, बहुत से बात सुनने पड़ते हैं इधर उधर के, तब उस वक्त आपको एहसास होता है कि हमको कुछ भी काम मिल जाता। तो वक्त रहते इंसान संभल जाए तो वही सबसे अच्छी बात है, नहीं तो वक्त गुजरने के बाद संभलने का कोई मौका नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेरी राय है कि भाई आप एक काम करो कि आपके पास पासपोर्ट है अगर, तो पासपोर्ट घर में रख के उसको फ्री अनवारी में चाहे कहीं पे रख के उसको टाइम वेस्ट मत करो, अपना वक्त को जाया मत करो, ठीक है। हिंदुस्तान में काम है, कोई नहीं बोलता है काम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जो पैसे वाले हैं वो पैसे कमा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीबी होता जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे लगा के पैसे कमा रहा है, जो गरीब है मेहनत ही करता जा रहा है, कर्ज उधार उसका मल्टीप्लेस नहीं हो रहा, पर महंगाई इतनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चलो भाई एक कदम उठाएं, एक स्टेप उठाएं, दुबई है, ओमान है, कुवैत है, कतर, इस तरह गल्फ कंट्रीज है, एंड जो आपको कब अब आप कुछ जानते नहीं हैं, आप जर्मन, सिंगापुर, यूरोप, ये सब ढूंढेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है ज़्यादा, आप कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं जानते हैं, बस अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं आप लगा सकते हैं, अगर पैसे ज़्यादा जब है आपके पास तो लगा के हम विदेश क्यों जाएंगे कमाने के लिए, घर पर लगा के नहीं कमाएंगे, ठीक है ना। एक मुनासिब पैसा है कि हम एक कम बजट है हमारा, कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह का बजट है, ऐसे अरेंजमेंट करके हम निकल सकते हैं, तो आप इस तरह का एक स्टेप उठाओ, निकलो, किसी भी जरूरी नहीं कि AK&SONS के थ्रू ही जाओ, ठीक है, जो भी जगह से जाओ इस ऐसी जगह से जाओ कि आपका मेहनत का पैसा जो है वो बंदा को भी लगे कि हाँ ये बंदा मेहनत का पैसा लगा के जा रहा है, तो आपके पैसे को मारे नहीं, बेमारी नहीं करे, ठीक है, वो अपने काम से पे
भरोसा करें जिससे आप काम करा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है इंसान का कि आप जिसे काम कराते हैं उसको उसका काम पे भरोसा है या नहीं है, या वो ये रिस्पॉन्सिबल लेता है कि नहीं कि भाई कि नहीं चलो भाई आपका हम जो पैसा लेंगे उसका हम काम करके देंगे। ऐसा नहीं उल्टा पुलटा एजेंट के चक्कर पड़ जाए और पैसे देके अपना बर्बाद कर लें, ठीक है। तो एक अच्छा सुटेबल जगह पर जहाँ से आपका दिल राजी होता है करने के लिए, हो सकता है आप मेरे चैनल पर यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझे, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको जो पसंद है, आपको जिस पर लगता है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं तो उसके साथ अपना सर्विस लीजिए, ठीक है। कोई भी हेल्पर में चले जाइए फर्स्ट, अगर जिसको कुछ काम नहीं जाता, जो 10+2 है इलेक्ट्रिशियन का चाहे प्लम्बर का, ठीक है। ये मैं सोचिए कि हमको आराम का काम चाहिए, ठीक है, आराम का काम, कि फैक्ट्री में जाए हमको पैकिंग काम चाहिए, चाहे हमको शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ काम आसान का मिल जाए, तो सब काम में टेक्निकल हैंड नहीं, फ्यूचर नहीं है। जब आप टेक्निकल हैंड है, एक साल आप दो साल काम करेंगे लेकिन आपके है ना पोजीशन बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है, पोजीशन बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए हेल्पर में गए इलेक्ट्रिशियन का, एक साल छः महीना साल पर वक्त देंगे तो आप काम सीख जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इस तरीके से होता है। अगर आप तो सोचेंगे हमको आसान काम मिले, हम पैकिंग का काम करें, बैठे काम मिल जाए, एसी के अंदर काम मिल जाए, तो इसमें क्या होगा कि आपको काम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आपकी आप अपने आप को मजबूत नहीं कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कि दो साल वहाँ पे वीज़ा ख़त्म हो गया, ठीक है, दो साल बाद कंपनी आपको वापस भेज देती है, आप चले आते हैं, लेकिन आप कौन से काम में जाएंगे? आप क्या बोलेंगे हम प्लस सी कंपनी में दो साल काम किए हैं फैक्ट्री में? तो आजकल तो आप जानते हैं कि टेक्निकल लोगों का डिमांड है, कि टेक्निकल हैंड कहीं भी पासवर्ड लगाएगा उसका जॉब लग जाता है, और जो फ्रेशर हैं कुछ काम नहीं जानते उनको बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो ये मेरी राय है आप लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, अगर नहीं पसंद करते हैं तो आपकी मर्जी है। इंसान को अच्छा चीज़ कहीं भी फेंका हो उसे उठा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल लोग पैसे दे सकते हैं लेकिन राय मशवरा नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा, मुझे बहुत से लोग मेरे सब्सक्राइबर बात करते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं चलो इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए कि लोगों को मोटिवेशन हो कि टेक्निकल हैंड की तरफ वो बढ़े। टेक्निकल हैंड होता है कि एक बार आप काम सीखे, अगर मान लीजिए अब अभी हेल्पर में गए एक इलेक्ट्रिशियन का काम किया, विदेश में 4 साल 5 साल या 6 साल काम किया, अलहमदिल्ला अच्छा पैसा कमा लें, तो आप इंडिया आए तो अपने एक इलेक्ट्रिशियन का सामान का रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सेल्स का भी खोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना घर पे सर्विस दे सकते हैं, इस तरह बिजनेस कर सकते हो। अगर एसी का भी वही मसला है, एसी का आप काम के तो अपना घर पे भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ करने के लिए पैसे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यही मसला है तो हम लोग गरीबों मिडिल क्लास के लोगों का कि हम लोग पैसे नहीं लगा सकते, तो विदेश का रास्ता आसान है कि भाई कि चलो एक हमको तो हिसाब का एक पैसा मिलेगा कम से कम, बिजनेस करेंगे तो सस्ते चलेगा कि नहीं चलेगा। बिजनेस में सबसे चीज़ है भाई आपको बैक सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन आपको बैक सपोर्ट नहीं है तो सक्सेस बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह होता है। देने वाला अल्लाह है, किसी को किसी तरह भी दे सकता है, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सही होता है। तो दोस्त यही आप लोग से राय था, कहना था मुझे कि आप लोग जो भी कुछ काम नहीं जानते हैं, कुछ आपको हुनर नहीं है, तो आप एकदम झिझकाइए मत। अब ये मत समझिए कि हम घर में अच्छा से हैंडसम से रहते हैं, वहाँ पे जाकर हमको इलेक्ट्रिशियन काम करना पड़ेगा, तो प्लम्बर का काम करना पड़ेगा, मैसन का काम करना पड़ेगा, तो एकदम ये सब दिल से दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। अभी का मत सोचिए, अभी का वक्त किसी भी तरह गुजर जाएगा, ठीक है, आने वाला दिन कैसा होगा ये सोचिए, क्योंकि अभी का वक्त अभी हम खाएंगे या नहीं खाएंगे गुजर जाएगा, लेकिन हम कल हमको खाना है या हमारे साथ जो हमसे जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या करना है ये सोचना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्त। तो इतने ही मैं बात ख़त्म करता हूँ, अगर बात करें तो बहुत देर बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो पॉइंट बेस ऑफ पॉइंट है कि जो भी फ्रेशर हैं पढ़े हैं 10th तक +2 पढ़े हैं, पासपोर्ट ECR है या ECNR है, जो भी पासवर्ड है, कोई काम नहीं जानते हैं, वो कोई आसान काम की जगह एक तकलीफ का काम ढूंढें, यानी टेक्निकल हैंड का काम लाइन चूज़ करें और अपने करियर को ग्रोथ करें। इंशाल्लाह अगर मेरी बातों से अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो हम बता पाएंगे आपको खुशकिस्मत समझेंगे, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर लीजिए, चाहे फेसबुक पे देखें या यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फ्यूचर में जो भी हमारे पास जो वैकेंसी आती है हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और फेसबुक पर भी डालते हैं तो आपको वो मिल जाएगी और आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसी है, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।